सांवली सलोनी अदाए मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल में तेरा अपना रे, तुझे गट गट मैं पी लूं, कोका कोला तू शोला शोला तू, कोका कोला तू शोला शोला तू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी चांद, यू वाचिंग फैशन लर्निंग हब। हमारे चैनल पे आपको फैशन से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे एंड फैंसी ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग मेथड भी मिलेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो फैशन से रिलेटेड चीज़ों को सीखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक ज़रूर करना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको और भी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज़ दे सकें। सो लेट्स लर्न कि हम ये फैंसी सा गाउन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे स्क्वायरल फैब्रिक लिया है और फोर फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। फोर फोल्ड करने के बाद हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो मैं यहाँ पे 9 ईयर्स बेबी के लिए बना रही हूँ, जिसमें मेरी टोटल लेंथ 44 है और स्कर्ट की लेंथ 33 है, जैसा कि आपने देखा। तो यहाँ पे मेरी जो पूरी फैब्रिक है वो 33 इंचेस पे ही आ रही थी, तो मैंने उसकी मार्किंग कर ली है। और उसके बाद हम बेली की मार्किंग कर लेंगे, जो कि हमारी 26 है। 26 है तो 2 इंचेस हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 28 इंचेस का पूरा वैल्यू हो रहा है। तो जैसे कि हम 4 पार्ट में वो कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, तो 7 इंचेस आ रहे हैं। तो 7 इंच पे बैली को मार्क करने के बाद हम कर्व में निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, इस तरीके से हम साइड ऊपर से बैली से अपना जो फिटिंग है उसको लेंगे और नीचे की तरफ ऐसे कटिंग करेंगे। और जो साइड का आपको दिख रहा है ये चीज़, तो लॉन्ग बनाया है हमने गाउन को, जो कि साइड से खुला हुआ है, तो जिसके लिए हमें साइड से सीधा ही चाहिए, जैसे कि हम नॉर्मली सूट वगैरह बनाते हैं तो साइड का चाक बनाते हैं। उसी तरीके से हम इसमें भी साइड का फोल्ड करके जितनी दूर तक हमें ओपन रखना है सिलाई कर लेंगे, चाक बना लेंगे। अब यहाँ पे जो बचा हुआ स्क्वायर फैब्रिक है इसे हम रख देंगे, जो कि हमारे गले पे लेस टाइप का उसको हम सिल के लगाएंगे और बाजू पे। अब हम नीचे का अस्तर भी सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे, जितनी की लेंथ है स्कर्ट की हमें रखनी उतनी हम इनर उससे 4 इंचेस कम पे रखेंगे। तो 4 इंचेस कम पे हम इनर को नाप के उसकी लेंथ कटिंग कर लेंगे पहले सेमली, और उसके बाद जितनी की हमें बैली रखनी है सेम उतनी ही हम इनर की भी बैली नाप लेंगे। 7 इंचेस हमारा है तो 7 इंचेस पे नाप लेंगे एंड कर्व में मार्किंग करके उसे कटिंग कर लेंगे, जैसा कि हमने स्क्वायरल फैब्रिक में किया है उसी तरीके से सेम हम अस्तर में भी करेंगे। तो हमारा हो गया, फिर साइड का हम कटिंग कर लेंगे। जैसा कि आप पिक में भी देख सकते हो साइड का खुला हुआ है, तो इस तरीके से हम साइड का खुला हुआ है वो जब सिलाई करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे हम टॉप की मैंने मार्किंग कर ली है, तो 9 ईयर गर्ल के लिए है ये। तो यहाँ पे 3.5 पे ऊपर के गले की मार्किंग कर लेंगे, एज नॉर्मल जो हम सूट वगैरह बनाते हैं जैसे मार्किंग करते हैं गले की उसी तरीके से। थोड़ा सा हम शोल्डर के लिए बढ़ा के ही रखेंगे, ठीक है। जैसे कि 2.5 इंचेस लेते हैं तो 2.5 इंच पे नहीं, थोड़ा सा जो अभी फैशन में है शोल्डर के पास थोड़ा सा साइड से उस तरीके से, तो इसलिए हम 3 इंचेस रखेंगे और आर्म्स को 5 इंचेस पे रखेंगे। जैसे कि 9 ईयर बेबी के लिए आप बना रहे हो तो, अदरवाइज आप जो आपके मेज़रमेंट है उस हिसाब से आप कटिंग कर लोगे, टॉप को भी और स्कर्ट की भी लेंथ जो भी आपकी चाहिए, आपको जितनी लेंथ उतनी कटिंग कर लोगे। तो इस तरीके से टॉप की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे जो हमारी स्क्वायरल फैब्रिक है उसे हम सिलाई कर लेंगे स्कर्ट को। तो साइड का जो भी दोनों तरफ का हिस्सा हम पकड़ के आधे आधे इंचेस पे रख के सिलाई कर लेंगे। बहुत ही फैंसी सा प्रिटी सा ये हमारा ड्रेस बनके तैयार होगा, जो कि आप किसी भी पार्टी में वेयर कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक लुक आता है इसका, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा। मैंने आराध्या के बर्थडे के लिए इस ड्रेस को बनाया था, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा था, उसने पहन रखा है, आपने देखा ही। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइज स्कर्ट की सिलाई कर ली है,
अब उसके बाद जो अंदर का हमारा अस्तर है उसे भी हम सेमली सिल लेंगे, दोनों साइड्स से आधे आधे इंचेस पे पकड़ के सिलाई कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हो। जब हमारा स्कर्ट अंदर का ये इनर भी सिला जाएगा अस्तर, तो हम इसे स्क्वायरल फैब्रिक में जॉइंट करके अंदर से सिल लेंगे। और यहाँ पे मैंने फुल स्लिप कटिंग कर ली है इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हो। अब हम टॉप का जो गला है इसकी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। तो इसकी स्ट्रेचिंग के लिए एज नॉर्मल जो सूट में हम कपड़े को कटिंग करके सेम साइज़ का सिल लेते हैं ऊपर से और फिर पलटी करके सिलते हैं, उसी तरीके से इसमें भी सेम करेंगे। ऊपर से कपड़ा रख के सिलाई कर लेंगे इस तरीके से, एंड उसके बाद कपड़े को पीछे की साइड करके जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे उसको भी सिलाई कर लेंगे। नेक को पूरी फिनिशिंग से अच्छे से सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड के गले को सिलाई करने के बाद जैसे कि आपने देखा ही मैंने दोनों साइड का गला सेम रखा है क्योंकि पीछे जिप भी अटैच करना है एंड 9 ईयर बेबी के लिए है तो बहुत डीप गला नहीं चाहिए। और अभी विंटर का भी टाइम है जैसे कि आप, तो विंटर में ज़्यादातर वॉलवेट फैब्रिक पहना जाता है जैसे कि आपको पता ही है, तो ज़्यादातर फुल स्लीव एंड बोल्ड नेक ही चलता है। तो बोल्ड नेक मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो दोनों साइड का गला सेमली है, सेम हम सिल लेंगे एंड उसके बाद कंधा ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। और जो हमारी स्कर्ट की कटिंग के बाद जो वेस्टेज थोड़ा सा कपड़ा बचा है स्क्वायरल का, उसे हम लेंगे उसकी अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेंगे जैसे कि साइड साइड से, दोनों साइड से स्ट्रेचिंग कर लेंगे जिससे कि इसका लेस जैसा लुक आ जाए। और हम इसे आराम से बाजू पे एंड गले पे लगा पाएँ जिससे कि एक प्रीटी सा लुक क्रिएट हो। उसके बाद हम टॉप में बाजू को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फुल स्लिप बना रही हूँ तो दोनों साइड अच्छे से टॉप में अटैच कर लेंगे बाजू को। सो गाइस आई होप कि आपको कि ट्यूटोरियल सिंपल लगा होगा, इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आई रियली होप कि आप इस ड्रेस को ज़रूर बनाओगे एंड वेयर करोगे किसी भी पार्टी फंक्शन में। आई एम रियली श्योर कि ये बहुत ही प्यारा लगेगा एंड सबसे यूनिक लगेगा क्योंकि ये डिफरेंट एंड यूनिक है ही। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग फैंसी ड्रेसेस के आइडियाज़ को पाने के लिए। तो यहाँ पे हम फुल स्लिप पे अच्छे से लेस को अटैच कर लेंगे, जो हमने स्क्वायरल का प्यारा सा लेस क्रिएट कर दिया है उसे हम अटैच कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हो इस तरीके से, जो कि एक बहुत ही प्रिटी सा फैंसी सा लुक लाएगा हमारे ड्रेस में। ये जो छोटी छोटी आइडियाज़ एंड क्रिएशंस हैं यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपने आइडियाज़ को। तो सेमली हम दोनों साइड दोनों बाजू में अटैच कर लेंगे लेस को एंड अब टॉप की फिटिंग को ले लें, फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड जैसे कि आप देख रहे हो और स्ट्रेचिंग कर लेंगे अच्छे से। गाइस मेरे चैनल पे आपको फैशन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, मेकअप पे भी एंड हाउ टू स्टाइल ऑन अ पार्टी एंड ऑल, और ड्रेसेस से भी रिलेटेड कि कैसे किसी ड्रेस को फैंसी लुक दें, एक अच्छा ड्रेस क्रिएट करें, एक अच्छी मैचिंग क्रिएट करें इस पे एंड ड्रेसेस की स्टिचिंग कटिंग ऑल अबाउट। सो गाइस चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी। सो गाइस टॉप की स्टिचिंग करने के बाद हम स्कर्ट और टॉप को अटैच कर लेंगे एक में जैसे कि आप देख रहे हो
इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद ये हमारा दोनों जॉइंट हो चुका है। एंड पीछे मैंने चेन लगाया है जिससे कि हमारी ड्रेस फिटिंग है तो प्रॉपर हमें पहनने में कोई दिक्कत ना हो, इजीली हम आराम से पहन लें। जैसे कि आप देख रहे हो ये चेन लगाया है मैंने। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। तू मेरी, तू मेरी, दिन भर की थकन मिटाना कोका कोला तू।